हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास है दो कैटेगरी के बच्चों के लिए। पहली कैटेगरी वो जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है और उन्हें ये जानना है कि आगे की तैयारी कैसे करें जिससे उनके 80 on 80 मार्क्स आ सके, मतलब 100% वो स्कोर कर सके। और दूसरी कैटेगरी बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है, वो ये सोच रहे हैं कि पास कैसे हो जाएं या किसी तरह कुछ डिसेंट मार्क्स कैसे आ जाएं। तो ये वीडियो आप दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए है और फटाफट से ये वीडियो देखना शुरू करो। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अकाउंटेंसी। ऐसे दो वीडियोस और आएंगे जिसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हम बताएंगे इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स का, और उसको कैसे प्रिपेयर करना है यहां से उसकी स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा। तो ये अकाउंटेंसी का वीडियो है, पूरा हार्डकोर अकाउंटेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि अभी से हर एक चैप्टर में कितने के नंबर के क्या क्वेश्चन आते थे, कैसे आएंगे, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है और अभी से कैसे प्रिपरेशन करना शुरू करें। 100 नंबर चाहिए तो, और डिसेंट मार्क्स चाहिए तो। अब भाई बात समझते हैं, पिछले 10 ईयर्स का अगर मेरे मना करने के बाद भी अगर आपने 10 ईयर्स का आपने पेपर खरीदा होगा कभी भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई एक पैटर्न चला आ रहा है 12 मार्क्स से क्वेश्चन पूछने वाला। लेकिन 2019-20 का ये जो साल है ना, ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेकर आया है हमारे पेपर के पैटर्न के क्वेश्चन पूछने के तरीके में। ये क्या चेंज है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले तो एक सिंपल सा एक आउटलाइन देख लेते हैं कि हमारा पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो कि 60 मार्क्स का आता है, सेक्शन बी जो कि 20 मार्क्स का आता है। सेक्शन ए में दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन क्या होता है, जिसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर के, जो थ्योरी आया करते थे। अब क्या आते हैं, अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बोलेंगे आपसे सिंगल एंट्री पास कर दो, बोलेंगे आपसे ओपनिंग एंट्री पास कर दो, क्लोजिंग एंट्री पास कर दो, ठीक है ना, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अब बहुत थ्योरेटिकल चीजें नहीं पूछ सकते, ये पूछ सकते हैं कि डीआरआर का रेट क्या है, डीआरआई का रेट क्या है, या इसकी एंट्री क्या हो सकती है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देंगे, चैप्टर्स की अगर जितनी डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, ये 6 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके पीछे परेशान नहीं होना है, इसकी कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, पार्ट टू पर आते हैं, ये मेन कॉन्टेंट है हमारा। अभी इसमें क्या है, हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 7, 7 क्वेश्चन दिए होंगे 12-12 नंबर के, उसमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे आपको। 4 क्वेश्चन इंटू 12 48 मार्क्स के आएंगे। अब कोई जरूरी नहीं है कि 12-12 नंबर का ही एक क्वेश्चन आए, हो सकता है क्वेश्चन आपको 4.8 की स्ट्रेटजी में पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको 6.6 की स्ट्रेटजी में पूछ लिया जाए, या हो सकता है 4.4.4 की स्ट्रेटजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पिछला जो 2020 था हमारा, 1920 की बात कर रहा हूं एकेडमिक ईयर, उसमें एक ड्रास्टिक ट्रेंड चेंज होता देखा जा रहा है। उसके एक साल पहले से ही शुरू हो गया था। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेजॉरिटी 8.4 की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है ना। 12 मार्क्स के भी आते हैं एक सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन 8.4 वाली कैटेगरी ज्यादा पसंद आ रही है आईएससी काउंसिल को, ठीक है। तो लास्ट ईयर का जो ईयर था, जरा उसको देखते हैं और समझते हैं और डीपर एनालिसिस करते हैं कि कैसे पेपर आया था हमारा। फंडामेंटल जो चैप्टर है उसमें से एक 4 नंबर का एक सेपरेट क्वेश्चन आया और एक 12 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन आया। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आया ना, वो लग के आया रिटायरमेंट के साथ, समझ में आ रही बात। तो अगर किसी ने फंडामेंटल छोड़ दिया था मान लो, वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता है, या जिसने अटेम्प्ट रिटायरमेंट छोड़ रखा था और फंडामेंटल पढ़ रखा था, उसके साथ भी दिक्कत है। रिटायरमेंट का या रिटायरमेंट तो अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा अगर ये 4 नंबर चाहिए, नहीं तो दोनों खो दो या दोनों नंबर छोड़ दो। तो अभी चॉइस जो है, इंटर चैप्टर चॉइस जो है, ये बंद कर रहा है आईएससी काउंसिल। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें इंटर चैप्टर चॉइस निकाल लेंगे और 100 नंबर आ जाएंगे या 80-85% भी आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इंटर चैप्टर चॉइस नहीं आएगी, आप परेशान हो जाओगे। फिर क्या आया, गुडविल का 4 नंबर का क्वेश्चन आया सेपरेट, किसके साथ मिलकर आया, डिसोल्यूशन के साथ। मतलब जिनने अगर गुडविल पढ़ रखी थी और डिसोल्यूशन छोड़ दिया था, तो गुडविल भी नहीं कर पाओगे, डिसोल्यूशन भी नहीं कर पाओगे, या डिसोल्यूशन पढ़ लिया था गुडविल छोड़ दी थी, आइदर वेज तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। 12 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन आया एडमिशन का, ठीक है ना भाई। और फिर शेयर्स की बात करते हैं, शेयर्स का पूरे 12 नंबर का क्वेश्चन आया। तो कोई जरूरी नहीं कि एडमिशन में इस साल भी 12 नंबर का क्वेश्चन आया, हो सकता है 8.4 के हिसाब से वो स्ट्रेटजी लगा दें। अब एक बात आपके दिमाग में मैं पहले से बैठा दूं, क्या ये जो 8.4 की स्ट्रेटजी आएगी वो पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप के साथ ही आएगी, ये एक अच्छी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टनरशिप के साथ डिबेंचर्स का क्वेश्चन लगा दें। अब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है वैसे, कि मैं शुभम जगदीश ने बोला है तो ऐसा ही होगा, काउंसिल में नहीं है। पर अभी तक का जितना पेपर पैटर्न टेस्ट किया गया है, एनालिसिस किया गया है,
मुश्किल चांसेस हैं कि शेयर्स को और डिबेंचर्स को पार्टनरशिप के साथ क्लब करें। अधिकतर ऐसा ही हो रहा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन पार्टनरशिप के साथ क्लब हो रहा है, शेयर डिबेंचर्स का क्वेश्चन शेयर डिबेंचर्स के साथ क्लब हो रहा है। तो आपको नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर कैसे कैसे पेपर में आए थे आपके फंडामेंटल, इतना बड़ा चैप्टर है 16 नंबर का आया है, गुडविल 4 नंबर का तो हर साल ही आना है, एडमिशन पूरे 12 नंबर का आया है, रिटायरमेंट 8 नंबर का, डिसोल्यूशन 8 नंबर का, फिर शेयर डिबेंचर्स तो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हो इन चारों चैप्टर में से आप कोई चॉइस कर लोगे पेपर के लिए, इनफैक्ट 5 चैप्टर हैं, तो ऐसा गलती मत करना, पूरा पूरा पढ़ लेना अगर आप 100 नंबर लाना चाहते हो। प्लस एक और बात, जो बच्चे डीके गोयल लगा रहे थे, अब डीके गोयल को रखने की बारी आ चुकी है। अगर डीके गोयल पूरी लग गई है तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन की बात है, अगर पूरी लगा ली है आपने तो आपको क्या करना है, आपको ये चारों चैप्टर पूरे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन लगाने हैं। कहां से? टीएस ग्रेवाल से। प्रॉब्लम्स आएंगी, हाई लेवल रहे थोड़ा तो करना पड़ेगा, अभी कोई चॉइस नहीं है। अगर डीके गोयल हो गई है और नहीं हुई तो अभी फटाफट जनवरी के अंदर कंप्लीट कर लो, हमारे पास एटलीस्ट फरवरी मार्च है टीएस ग्रेवाल लगाने के लिए। उठाओ किताब, लगाना शुरू कर दो। जिन बच्चों को 100 नंबर चाहिए, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, अभी टीएस ग्रेवाल नहीं उठाओ, डीके गोयल पे ही फोकस करो। ठीक, बहुत क्लियर बात बता रहा हूं मैं आपको। फिर आते हैं बात कंपनीज पर, कंपनी क्या है, शेयर्स डिबेंचर्स। अब भाई देखो, शेयर्स भी 12 नंबर का क्वेश्चन इंडिविजुअली आएगा ही आएगा, और डिबेंचर्स भी 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 और 8 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आया था। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार या तो मैं पार्टनरशिप पढ़ लूं या मैं कंपनी पढ़ लूं शेयर डिबेंचर, ऐसा मत करना, क्योंकि इस बार शेयर डिबेंचर मिलकर 24 नंबर का ही आया था और तुम्हें चाहिए होते हैं 48, नहीं कर पाओगे। अब कुछ बच्चे सोचते हैं मैं शेयर डिबेंचर अच्छे से पढ़ लेता हूं और यहां से कुछ चैप्टर पढ़ सकता हूं, तो भाई 100 नंबर तो भूल जाओ, 100 नंबर नहीं आएंगे, तुम एक भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो। तुम्हें नहीं पता है कि रिटायरमेंट के साथ कौन सा चैप्टर क्लब होके आ जाएगा, ठीक है, या एडमिशन के साथ कौन सा चैप्टर क्लब होके आ जाएगा। हो सकता है माने तुमने फंडामेंटल अच्छे से पढ़ लिया, फंडामेंटल का क्वेश्चन 4 नंबर का एडमिशन के साथ क्लब होके आ गया, तुमने एडमिशन नहीं पढ़ा हुआ था तो फंस जाओगे भाई, मैं बता दे रहा हूं। ऐसा मत करो, इंटर चैप्टर चॉइसेस वो बच्चे ना करें, वो बच्चे बिल्कुल ना करें जिनको 100 नंबर चाहिए। जो पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, परेशान ना हो, 2 मिनट रुको। अब आता है एक चैप्टर फाइनेंशियल, जिसमें बैलेंस शीट बनानी होती थी। ये बड़ा आसान चैप्टर है और सबसे अंडररेटेड चैप्टर है, और आई कैन बेट आपने पढ़ाई भी नहीं की है। ये इकलौता चैप्टर है जो पूरे 12 नंबर दे देगा आपको अकेले, मतलब सबसे अंडरडॉग चैप्टर है और 12 नंबर देता है। 12 नंबर में कैसे 12 नंबर देता है, 8 नंबर तो पूरी बैलेंस शीट बनाने को आती है, ठीक है ना, पूरी बैलेंस शीट बना के दिखाओ शेड्यूल 3 के हिसाब से, और 4 नंबर का आता है हेडिंग वाला क्वेश्चन, ये आइटम किस हेडिंग के अंदर आएगा, उसी कौन सी सब हेडिंग है। तो ये 8.4 में आप पढ़ सकते हो अगर आपने डीके गोयल से ये लगा रखे हैं क्वेश्चन 17 से 27 28 तक, तो आपकी जीत हो जाएगी। इतना करने के बाद जो 100 नंबर लाना चाहते हैं, ये चैप्टर आपको टीएस ग्रेवाल से भी लगाना पड़ेगा। अगर डीके प्लस टीएस लग गया है आपका, 100 नंबर आपके रखे हुए, मेरी बात मान लो ये, ठीक। अभी सैंपल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सैंपल पेपर के चक्कर में वो पढ़े जिनका डीके भी हो गया टीएस भी हो गया। ऐसा कोई बच्चा हो तो मुझे व्हाट्सएप करना जरा, मैं भी तो जान लूं आपका डीके और टीएस पूरी किताबें लग चुकी हैं 4, मुश्किल है वैसे। आगे बात करते हैं पार्ट बी, सारा खेल यही हो रहा है, खेल अभी तक नहीं था, खेल यहां है। अभी तक आपके स्कूल में बताया गया होगा, आपके टीचर से बताया होगा प्रोबेबली कि भाई जो सेक्शन बी, ये जो पार्ट बी होता है ना, इसमें 2 क्वेश्चन आपको चूज करके करने होते हैं। अभी 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 2 करने होंगे। अभी काउंसिल ने क्या लास्ट ईयर फसाया समझना, सबसे इन तीनों चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव कॉमन साइज और रेशियो में सबसे आसान चैप्टर है कंपैरेटिव कॉमन साइज। बच्चा सोचता है कि कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज चैप्टर पढ़ लेंगे 10 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा गलत है। पिछले साल कंपैरेटिव कॉमन साइज से कैसा क्वेश्चन आया देखो, कंपैरेटिव कॉमन साइज से क्वेश्चन आया 2 नंबर का रेशियो, 6 नंबर का कंपैरेटिव कॉमन साइज में से 1 और 2 नंबर का कैश फ्लो। ये सबसे आसान था ना, इसको ही उन्होंने कैंसिल कर दिया। मतलब अभी बच्चे क्या करते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव पढ़ के चले जाते थे, या कंपैरेटिव या रेशियो पढ़ के चले जाते थे, कैश फ्लो छोड़ देते थे। अब यहां पर एक भी चैप्टर में चॉइस नहीं है, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन फंस के आ रहा है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मेरे से, तो क्या कंपैरेटिव कॉमन साइज छोड़ दें, पागल हो क्या, इतना आसान है, क्यों छोड़ोगे यार। लेकिन यहां पे भी हम 3 चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर चॉइस नहीं कर सकते हैं। और वेटेज देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आया 12 मार्क्स का, रेशियो एनालिसिस भी आया 12 मार्क्स का, ठीक है ना भाई। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो ट्रिकी है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, और वो बड़ा चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तुमको। ऑपरेटिंग अलग लगाओ, इन्वेस्टिंग अलग लगाओ, फाइनेंसिंग अलग लगाओ, फिर उसके कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करो डीके गोयल से, उसके बाद आओ टीएस ग्रेवाल पर, लेकिन लगाओ दोनों किताबों से अगर 100 नंबर चाह रहे हो तो। समझ में आगे की नहीं बात, सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूं। जिनको 100 नंबर चाहिए, डीके लगा लो पूरे क्वेश्चन के साथ, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन एडिशनल।
टीएस ग्रेवाल क्या इलस्ट्रेशन क्वेश्चन एडिशनल। कोई बोलेगा सर आप तो ये गधों वाली चीजें बता रहे हैं, हार्ड वर्क बता रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं बता रहे हैं। सर स्मार्ट वर्क ना एग्जाम के 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले होता है कि हम हाउ स्मार्टली वी आर रिवाइजिंग द सिलेबस। अभी तो गधों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं, सब पढ़ना है, पहले पूरा पढ़ लो और ये फालतू के जो ये मोटिवेशनल चैनल्स होते हैं देखना बंद कर दो कि नहीं भाई बहुत स्मार्टली काम करना है। भाई कुछ नहीं कि स्मार्टली काम करना है, पहले तो पढ़नी है ना, पहले कंटेंट चाहिए हमें, कंटेंट लाएंगे स्मार्टली रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी से स्मार्ट मत बनो, उसे ओवर स्मार्ट बोलते हैं और उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी है, फिजिक्स नहीं है ये। चलो भैया आगे देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भाई मैंने बता दिया उन बच्चों की स्ट्रैटेजी जिनको पूरे नंबर चाहिए। अब वो जिनको एकदम ऐसा हो जाए कि 60% ही आ जाए तो बहुत है, बस उतना ही चाहिए, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, वो पढ़ो फंडामेंटल, बिकॉज 16 नंबर देगा। फंडामेंटल एक ऐसा चैप्टर जो करना ही करना है, 16 नंबर ये देगा। गुडविल आसान चैप्टर है, 4 नंबर ये दे देगा। तो 16 और 4 20 नंबर की तुम्हारी यहां से तैयारी हो जाएगी। फिर एक चैप्टर उठाओ इधर से, डिबेंचर्स आसान है बिकॉज सिलेबस बहुत कम हो गया है। डिबेंचर्स के 2 वीडियो डाल दूंगा, एक कल भी आने वाला है, तो डिबेंचर्स पूरा खत्म हो जाएगा। डिबेंचर्स देख डालो क्योंकि डिबेंचर्स अकेले 12 नंबर दे देगा। 20 उधर से आ रहे थे, 12 इधर से आ गए, हो गए नंबर 32 out of 80। अब इधर आओ, कंपैरेटिव कॉमन साइज 100% पढ़ा लो, 6 नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे, 32 नंबर पहुंच गए थे, 6 हो गए 38। रेशियो आसान चैप्टर है लेकिन है लेंदी, तो मैं रेशियो को 10 क्वेश्चन छाट के दूंगा ना, वो कर लेना बस। तो इधर से भी तुम्हारे 10 में से 10 तो नहीं, तो 10 में से हमने 6 नंबर भी मान लिए तो कितने हो गए थे नंबर, भूल गए, 38 + 6 = 44 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए। एक चैप्टर और है जो ध्यान से दे देना, वो है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में अगर तुमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी ड्रॉ कर दिया है और कुछ कुछ आइटम भी पोस्ट कर दिए हैं तो भी नंबर मिल जाते हैं। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 तो मिल ही जाएंगे। तो अगर यहां से आप 48 स्कोर कर रहे हो और स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल मिला के अगर 15-20 नंबर भी मिल रहे हैं तो आप पहुंच जाओगे 70 के आसपास। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, तो क्या सर ये सारे चैप्टर छोड़ दें? मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें केवल पास होने भर का पढ़ना है तो इतना पढ़ लो तो पास हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर तुमको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो मैंने बताया है स्ट्रेटेजी उसकी क्या होगी। 2 वीडियोस और आएंगे, अकाउंट्स का मैंने आज अपलोड कर दिया है, इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स का बहुत जल्दी इसी हफ्ते में, उसकी भी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कैसे उसको करें। अब बहुत सारे बच्चों की शिकायत होगी सर आपने बोला था वो 10 क्वेश्चन वाली सीरीज कब आएगी। आएगी भाई, ठंड रख, बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेरा भी स्कूल चल रहा है, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा हूं, काफी हेक्टिक है। कोशिश कर रहा हूं जिस दिन छुट्टी हो उस दिन वीडियो अपलोड कर दूं, या संडे को तो मैं विदाउट फेल वीडियो तो अपलोड करूं ही करूं। भाई पढ़ाई करते चलो, मैं आपके साथ बैठा हूं, साथ साथ सारे नोट्स भी अब देना शुरू कर दिया है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है। बहुत ही जल्दी एक नोट्स का वीडियो बनाऊंगा, सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा एक बार में, परेशान नहीं हो, आई एम वर्किंग विद यू फॉर यू, ऑलराइट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे क्लास में शेयर करो, क्लास ग्रुप पर शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। थैंक यू, दिस वॉज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।